My name is Ajay Khati. I have cracked IMCET exam this year with 5th rank and today in this video I am going to tell you कि मैंने किस बुक से पढ़ा था, मेरी बुक सिलेक्शन कैसे रही थी एंड मे बी आफ्टर दिस वीडियो आपको भी पता चल सकेगा कि आपको कौन सी बुक को प्रिफर करना है, कैसी आपकी बुक सिलेक्शन होनी चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ये आपकी एक हेल्प कर सकेगा, एक स्टेप हो सकेगा आपके लिए जिसे आपको पता चल सके कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है और किस बुक से करना है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत से कमेंट पढ़े जिसमें कुछ कमेंट ऐसे थे कि भैया क्या मैं ये पर्टिकुलर बुक खरीद लूं, और कुछ कमेंट ऐसे थे कि भैया आपने किससे प्रिपेयर किया है तो हमें भी बताइए। तो ये वीडियो मैं इसी बेसिस पे बना रहा हूं। तो आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, सबसे पहले अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो सैंपल पेपर का यूज नहीं होगा, क्योंकि बहुत से कमेंट ऐसे भी थे कि कौन से सैंपल पेपर खरीदो। ठीक है, तो सैंपल पेपर का यूज तभी होगा जब आप यू नो सिलेबस कंप्लीट कर दोगे। और जैसे सैंपल पेपर दो टाइप में आते हैं, एक आता है चैप्टर वाइज और एक आता है मॉक टेस्ट वाइज। ठीक है, जिसमें पूरे 200 क्वेश्चन होंगे, और एक आता है चैप्टर वाइज जिसमें एक चैप्टर होगा फिर उसके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर वाइज है उसका थोड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि आप चैप्टर वाइज कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो मॉक टेस्ट वाला है उसमें आपका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लोगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, और सबसे पहले आप सिलेबस कंप्लीट करो। तो सिलेबस के लिए मैं आपको बुक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ जिससे मैंने प्रिपेयर किया था, और आप भी शायद से अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की। जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है वो मैंने एनसीईआरटी से पढ़ी थी, और आप भी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। जो IMCET एग्जाम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखो एनसीईआरटी जो हमारी बुक है, एनसीईआरटी में ना जो पॉइंट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, जो न्यूमेरिकल हैं, जो एग्जाम्पल हैं, एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत सिंपल और ईजी है। मे बी थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, अब उसका लेवल जो है उसमें सारी चीजें कवर की गई हैं, ना उसमें बहुत डीप में गया है ना बहुत हल्का गया है। लेकिन अगर आप कोई दूसरी बुक खरीदते हो, ठीक है, बहुत सी बुक मार्केट में अवेलेबल है, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता क्योंकि मैंने यूज नहीं किया, तो मैं जस्ट एक अंदाजा लगा सकता हूँ। देखो जो बुक्स होंगी जो आप मार्केट से खरीदोगे, मे बी वो बहुत नो डीप डिटेल हो उसमें या बहुत हल्का डिटेल हो, वो ऑथर टू ऑथर वेरी करेगी। लेकिन आपको अगर लेवल मैच करना है तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट थिंग मेरी तरफ से। ठीक है, मे बी आपका ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो, यह आप पे डिपेंड करता है। और यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी होगी, देखो एनसीईआरटी से तो आप कर लोगे। ठीक है, उसके बाद जो मेरे सीरीज है IMCET एग्जाम, उसमें अगर आप क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको देखना क्या है, रियलिटी में आपको अप्रोच देखनी है। ठीक है, अप्रोच देखनी है जिसमें आप टाइम कंज्यूम कम करें। आपको ये ध्यान रखना है, आप जितने जल्दी क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप दोनों को अच्छे से देख रहे हो, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली साथ में मेरी वीडियो की जो सीरीज है वो अच्छे से देख ली, तो ये मोर देन इनफ होगा आपके एग्जाम के लिए। और बिलीव मी जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप कहीं ना दूसरे जो स्टूडेंट होंगे उनसे ज्यादा मोर कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि आपको पता है, अप्रोच पता है आपको, आपको क्वेश्चन टाइप पता है, डिफिकल्टी पता है, तो आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो अब बात कर लेते हैं हम जनरल नॉलेज की। तो जनरल नॉलेज को मैंने बहुत बार आपको बताया कि जनरल नॉलेज का जो सेक्शन है अनप्रिडिक्टेबल है, कहीं से भी आ सकता है और बहुत ज्यादा वास्ट है। तो यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इस सेक्शन को अच्छे से करना, लेकिन अगर आपको एक बुक लेनी है तो आप उससे ल्यूसेंट की ले सकते हो। ठीक है, बहुत सी अच्छी अच्छी पब्लिशर है। लेकिन आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आपको कोई बुक नहीं लेनी है, सबसे अच्छा तरीका है कि आप मैगजीन लो। मंथली मैगजीन आती है, जैसे कि हो गया प्रतियोगिता, दर्पण, ऐसी कोई मैगजीन उठा लो और जो मंथली बेसिस में जो इम्पोर्टेंट हेडलाइन है वो पढ़ लो। ठीक है, इससे आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगा, वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी होगा और साथ में एग्जाम के व्यू से देखें तो उसमें भी आप उसको प्रिपेयर कर लोगे। साथ में जब हम बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज जो आपको पढ़नी है, वो है स्पोर्ट्स का सेक्शन। स्पोर्ट्स के सेक्शन में क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अर्जुन अवार्ड किसे मिला, ऐसे कुछ अवार्ड। ठीक है, दूसरा हमारा डिफेंस का हो गया। डिफेंस का बात करें तो डिफेंस में कभी कभी वो पूछ लेता है कि जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कहाँ होती हैं, और हमारा पॉलिटिक्स का सेक्शन हो गया जो इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि कोई सम्मेलन है वो कहाँ हेल्ड हुआ, और आपके अवार्ड का सेक्शन हो गया। तो ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको पढ़नी है जिससे आपको प्रिपेयर करने में यू नो आसानी हो सके,
और इसके लिए बुक की ज्यादा जरूरत मैंने बताया है, बुक की ज्यादा जरूरत है नहीं, यहाँ पर आप मैगजीन ज्यादा फायदेमंद रहेंगी इस चीज के लिए, जनरल सेक्शन जनरल नॉलेज की जो अगर आपको कवर करना है। अब हम बात कर लें जनरल एप्टीट्यूड के बारे में। देखो जनरल एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है, बहुत इजी सेक्शन है, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सीधे नेट पे सर्च कर सकते हो कि जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, और आपको मिल जाएंगे बहुत से क्वेश्चन और बहुत से पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती हैं, तो आप उनसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई बुक चाहिए तो आप खरीद सकते हो, ठीक है। मैंने नहीं खरीदी थी अपने टाइम में, तो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आपको करना है, आपको नेट से करना है या खरीदना है। और जनरल एप्टीट्यूड का सेक्शन बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें आपको जो चीजें ध्यान रखनी है वो है आपका जो आपकी हाई स्कूल तक की जो पढ़ाई होती है वो ज्यादा मैटर करती है। जैसे कि आपका हो गया एट्थ की क्लास का जो मैथ्स होती है, नाइन्थ क्लास की मैथ्स हो गई, टेंथ क्लास की मैथ्स हो गई, तो इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जिसमें आपका आ गया सीपी आ गया, एसपी आ गया, और साथ में इंटरेस्ट, एलसीएम, एससीएफ, और ये टैंक भरने वाला जो है, और ए वर्क करता है इतने दिन में, तो ये चीजें थोड़ा सा यहाँ पर आती हैं, तो इनको आप कवर करो। और साथ में बुक खरीदना चाहते हो तो आप बुक खरीद सकते हो। सो जो इंग्लिश का सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट और ट्रिकी भी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना बेसिक इंग्लिश नहीं आती है, इसमें थोड़ा सा एरर बेस्ड इंग्लिश आती है, इसमें थोड़ा सा आपको पैराग्राफ अच्छे से करने पड़ते हैं, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने फ्रॉम प्रिंस टू पैरामाउंट एक केडी पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे प्रिपेयर किया था, और वो बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, बहुत डिमांड में रहती है। मे बी वो सारे कॉम्पिटिशन के लिए बुक है, लेकिन अगर आप वो एरर्स कर लेते हो उसके अच्छे से, जिसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, अगर आप एरर्स अच्छे से कर लेते हो उसके, और पैसे तो आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आप बहुत आसानी से एरर अच्छे से कर लोगे, और जो पूरा इंग्लिश का सेक्शन है वो अच्छे से कर लोगे। और साथ में जो बेसिक जो चीजें हैं, जैसे कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, ये भी उसी बुक में अच्छे से कवर किए गए हैं, और साथ में जो एक्सरसाइजेस हैं वो भी बहुत बहुत अच्छे से दी गई हैं, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये मेरी चॉइस है, अगर आप चाहते हो कि आप दूसरी बुक से करो तो आप उससे भी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प हुई होगी कि आपको कौन सी बुक चूज करनी है। और एक चीज मैं यहाँ पर बता दूँ, ये मेरी सिलेक्शन है, मे बी आपकी सिलेक्शन थोड़ा डिफरेंट हो और मेरे से वेरी करे। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है यहाँ पर, जो प्रिपरेशन है, अगर आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, तो आपके लिए दूसरी बुक काम आएगी। अगर आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है तो आपके लिए दूसरी बुक काम आएगी, ठीक है। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखें, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के ज्यादा दूर नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।